नितेश तिवारी रामायण पर फिल्म बना रहे हैं और इसके लिए कास्टिंग जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जो मेन कास्टिंग है जिसमें प्रभु श्री राम का रोल रणबीर कपूर करने वाले हैं, सीता जी का रोल साई पल्लवी करने वाली हैं और रावण बनने वाले हैं वही रॉकिंग स्टार यश। तो कहानी यहाँ पर यह है कि रणबीर कपूर को लेकर मीडिया में एक खबर परोसी जा रही है और कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर जब तक रामायण फिल्म की शूटिंग करेंगे तब तक वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, किसी भी तरह का फास्ट फूड नहीं खाएंगे और कोई भी गलत आचरण नहीं करेंगे। इसी को लेकर लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अब ये एक मुहावरा है, मुहावरे का मतलब आप समझ जाइए कि दुनिया के सारे पाप करने के बाद रणबीर कपूर ये कह रहे हैं कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, शराब नहीं पियेंगे, कोई गलत आचरण नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रभु श्री राम का रोल कर रहे हैं। और रणबीर कपूर को ऐसा लगता है कि रामायण के जो अरुण गोविल जी हैं उन्होंने एकदम प्रभु श्री राम का रोल जैसा किया था वैसे ही वो निजी जिंदगी में भी हैं। एक बार उनके ऊपर किसी फैन ने सिगरेट पीते हुए देख लिया था तो उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। भैया सिगरेट पीना और गाय का मांस खाना और उसे बड़ी ही बदतमीजी के साथ बेशर्मी के साथ उसे मीडिया में कहना कि मैं तो गाय का मांस खाता हूं और उसके बाद आप प्रभु श्री राम का रोल करोगे तो कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये देश भी ऐसा है, एक टाइम के बाद सब लोग सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जो वाकई अपने धर्म से जुड़ा है वो रणबीर कपूर जैसे लोगों को तो कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन फिल्म बन रही है, प्रभु श्री राम बन रहे हैं, कितना न्याय करेंगे पता नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली थी इनकी तब उस दौरान ये अपनी पत्नी जो कि उस वक्त नहीं हुई थी लेकिन प्रेग्नेंट जरूर हो गई थी आलिया भट्ट, तो ये महाकाल मंदिर में गई थी दर्शन करने के लिए और वहां से वहां के पुजारियों ने और भक्तों ने इनको भगा दिया था, दर्शन करने नहीं दिया। हालांकि उसके बाद जब दूसरी फिल्म आई इनकी तो ये काशी विश्वनाथ जरूर गए थे दर्शन करने ये लोग। लेकिन कहानी यहां पर ये है कि क्या ये राम बनने लायक है, राम के जैसी तो कोई चीज इनके अंदर नहीं है। देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन इतना बेशर्मी के साथ ये कहना कि भाई मैं गाय का मांस खाता हूं, मेरा फेवरेट भोजन है, गाय को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया जाता है, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं लेकिन जब उनके धर्म पर उनसे धर्म के चीजों से रिलेटेड कुछ चीज बोल दी जाती है, जब जो उनके धर्म में बैन है नहीं मानी जाती है तब उनको भी बुरा लग जाता है, लेकिन दूसरे धर्म का मजाक उड़ाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग रणबीर कपूर का सपोर्ट कर रहे हैं उनसे जरा पूछिए कि आप जिस धर्म से जुड़े हुए हैं और जिस धर्म के आपके देवी देवता आराध्य जो भी होंगे, अगर उनको लेकर रणबीर कपूर कुछ ऐसी बात करते हैं या कहते हैं तो क्या आप अपने आराध्य को लेकर रणबीर कपूर को एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन बात हिंदू धर्म की है, हिंदू धर्म में तो सारी चीजें भुला दी जाती है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शराब नहीं पियेंगे, मांस मच्छी नहीं खाएंगे, गंदा आचरण नहीं करेंगे, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद जरूर करेंगे ये सारी चीजें, तो मतलब क्या निकल जाता है? पूरी जिंदगी उस चीज को अपनाओ तो जाने कि आपने प्रभु श्री राम का पालन किया है जो भी इनके जीवन का है, वरना तो ये काम तो पैसे कमाने के लिए कोई करेगा और घर में बैठकर होटल में मालदीव्स में जाकर ये सारी चीजें आप करोगे तो कौन देखने आ रहा है? क्योंकि बॉलीवुड का काम है जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, कहने और करने के बीच में इनका जमीन और आसमान का अंतर होता है।